हेलो फ्रेंड, जुबिन मस्फन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब पाकिस्तान नी एक्ट्रेस ने की तीसरी शादी, बेटी ने पूछा मैं ससुराल में क्या कहूँगी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अतिका उदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब उन्होंने तीसरी शादी की तो उनकी गोद में उनका पोता था। वो बहुत शर्मिंदगी भरा माहौल था, लेकिन मैंने हंसते हुए इसका सामना किया। इंसान को प्यार कब कहा कैसे मिल जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं। ये बात जिसने भी कही बहुत खूब कही होगी, क्योंकि आज लोग अपनी खुशी की तवज्जी देने जानते हैं। ये जानते हैं कि उन्हें कब किसी के साथ की ज़रूरत है। ऐसे में उम्र भी और आई तो कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दिलेरी पाकिस्तानी एक्ट्रेस अतिका उदी ने दिखाई। जब उन्हें तीसरी बार प्यार हुआ, उन्होंने श्रम लिहाज से पर कर अपने प्यार से शादी भी की। अतिका ने अपनी कहानी बयान की और दिखाया कि लोग क्या कहते हैं उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद को खुशी का भी ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। अतिका को खमर समर अली खान से शादी की अब 10 साल हो चुके हैं। समर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर है। अपने जर्नी का शेयर करते हुए अतिका कहते हैं, हम फैमिली फ्रेंड्स थे शादी से पहले, हमने साथ में कोई सोशल वर्क भी किया है। एक वक्त आया जब हम सिंगल थे और हम साथ में इतना टाइम स्पेंड करते थे, तो सोचा चलो शादी में ही ये बाकी की ज़िंदगी बिता लेते हैं। प्यार था तो तभी यह मुमकिन हुआ, क्योंकि इस उम्र में प्यार के बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है। अतिका ने बातचीत में आगे बताया कि इस उम्र में शादी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अतिका ने कहा, इस उम्र में शादी करना मतलब सबको समझना, बच्चे बड़े बड़े हैं, उनके भी बच्चे हैं। समर को तरफ से भी फैमिली में कोई मसले हुई। मेरी शादीशुदा बेटी ने मुझसे कहा, अम्मी मैं अपने ससुराल में क्या कहूँगी। मैंने उनसे कहा कि यही कहना कि आपको अम्मी हलाल काम करने जा रही है, हराम काम नहीं करने जा रही है। अधिकारी ने कहा कि हमें पता था कि इस शादी में चैलेंजिंग आएंगे, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं। मेरे तो नवाजा पोता निकाह के वक्त मेरे गोद में बैठा था, लेकिन वही बात है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। आप अगर सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो आपको उसे पाने के लिए कोशिश करनी होती है। बड़े बड़े बच्चे हैं तो धूमधाम की शादी नहीं अच्छी लगती। मेरे बड़ी बहन ने कहा कि होगी तो हम सब मौजूद रहेंगे, अच्छे से ही होंगे। रिक्स तो होती ही है कि ये काम नहीं करेंगे, वो भी तब जब पहले से आप कोई बातें झेल चुके होते हैं। आपको बता दे कि अतिका उदी पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टाइलिस्ट के तौर पर की थी, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर टीवी और फिल्म में काम किया। अतिका का खुद का उदी नाम के फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड भी है। अंत मेरे इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूँ।